मेरा नाम डॉक्टर राजीव त्यागी राज है। मैं बचपन से ही पर्यावरण के बीच में रहा हूँ कि मैं मूल निवासी गांव से हूँ। मेरा जन्म गांव में ही हुआ था। फादर मेरे हाइडल में एचईओ थे, तो हम रहते तो शहर में थे, लेकिन शुरू से ही जो शिक्षक प्रारंभिक जो शिक्षा होती है उससे ही मैं जो है गांव में ही जाना शुरू कर देता था। 2 महीने की जब छुट्टियाँ पड़ती थी मई जून जुलाई की, तो मैं गाँव में जाता था और वहाँ पर जो है खेती बाड़ी हमारे पास होती थी, तो पर्यावरण से तो शुरू से ही लगाव इसी वजह से बन गया हमारा। काफ़ी दिनों तक हम जाते रहे तो वहाँ देखा कि वहाँ छोटे पौधे जो हैं खेतों में उग जाते थे, तो उनको हम साइड से निकाल कर जहाँ से पानी ट्यूबवेल से निकलता है उसके किनारे हम लगाते थे। और उस टाइम पर मई जून जुलाई जो सीज़न रहता था वो आम का रहता था, तो हम लोग आम खाते थे, हमारे बाग थे आम के, तो उनकी गुठलियाँ जो हैं हम दबा देते थे खेल खेल में। फिर अगले साल जब हम आते थे तो वही पौधे बन जाते थे। धीरे धीरे इसमें हमारी रुचि बढ़ती गई कि पौधे कैसे बनते हैं, एक बीज डालने से ही पौधा इतना बड़ा हो जाता है। उस टाइम फिर जामुन आनी शुरू होती थी, तो जामुन के ही पौधे हम ऐसी मतलब उनके जो बीज होते थे खेतों के किनारे डाल देते थे, तो फिर वो साइड में ही उग जाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे पर्यावरण की तरफ रुचि हुई। फिर हम शहर में फादर ले आए हम लोगों को, तो शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण चैप्टर हमें पढ़ाई में मिलता था पढ़ने के लिए, तो हमें वो रुचि वहाँ से आने लगी। उसके बाद फिर हमने जो है अपने जन्मदिन पर कोई भी खुशी के मौके पर कोई भी मतलब घर में कोई भी खुशी का कोई भी शुभ समाचार मिल रहा है, दोस्त के जन्मदिन पर हम पौधे लगाने लगे। इस तरह धीरे धीरे हम पर्यावरणविद बनते चले गए। तुलसी हमने अपने आंगन में घर में देखी, माता जी को पूछते देखा, दादी दादी को पूछते देखा, तो हम पूछते थे कि ये पौधा जो है क्या है, तो हमारी माता जी और हमारी दादी बताती थी ये श्री कृष्ण से जुड़ी कहानी है। आप सभी को पता होगा कि तुलसी कौन थी, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो वो दीपक जलाते थे शाम को, तो उसमें ये थी कि भाई ये नेगेटिव चीज़ को दूर करता है, पॉजिटिव चीज़ की एनर्जी को ज़्यादा बढ़ाता है। तुलसी का पौधा पूजनीय भी है और औषधीय भी है। तो शाम को जब दीप जलाते थे तो वहाँ मच्छर वगैरह भी मतलब हमें लगते नहीं थे तुलसी के पौधे के आसपास, आंगन के बीचम बीच माता जी और दादी जी जब तुलसी की पूजा करती थी सुबह और शाम को। तो फिर ये पौधा हमने जो है बीज जो उसके ऊपर मंजरी बोलते हैं वो हम उसको निकाल कर जब सूख जाती थी तो उनको क्यारियों में बिखेर देते थे। तो धीरे धीरे 2-4 दिन में पानी देने के साथ साथ वो छोटे छोटे पौधे तुलसी के उगने शुरू हो जाते थे। उनको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करके जगह जगह लगा देते थे खेत में, तो इस तरह से पूरा जंगल बन जाता था तुलसी का। और फिर दादी माँ ने और माता जी ने बताया कि तुलसी के पत्ते खाने से बहुत कुछ रोग भी दूर होते हैं, तो वो हमने उसको दवा के रूप में भी यूज करना शुरू किया। दूध में 4 पत्ते, चाय में मतलब जो भी कुछ अगर ड्रिंक भी है, पानी भी है, तो पानी में भी हम देखते थे पूजा के टाइम पर पंडित जी जो है तुलसी के पत्ते मंगाते थे, जैसे अमृताचर बोलते हैं, दही के साथ डालकर। तो फिर तुलसी के प्रति लगाव बढ़ता गया, तो हमने सोचा ये औषधीय पौधा भी है, पूजवीय पौधा भी है, तो इसको क्यों ना हम इसको बांटें, क्योंकि लोग बाग जो ना थोड़ा फ्री की चीज़ जो है ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि फ्री में पौधा मिल रहा है तो आप लगाइए। तो फिर हमारा ये इसमें जो है मन लगता गया और धीरे धीरे जो है हम तुलसी बांटते चले गए। अपनी तुलसी हम खुद लगाते थे और खरीदते भी थे, उसके साथ साथ जो है लोग हमें तुलसी मैन, तुलसी पुरुष अब कहने लगे, तो हमें भी अच्छा लगने लगा, तो हमने भी उसको नाम को स्वीकार कर लिया और तुलसी मैन और तुलसी पुरुष बन गए। अभी तक लगभग 35,000 जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो हम बांट चुके हैं। रामा श्यामा तुलसी ज़्यादा प्रभावी तुलसी मानी जाती है, तो हम दोनों चीज़ बताते हैं लोगों को कि ये औषधीय पौधा भी है और धार्मिक पौधा भी है, आप इसकी पूजा भी करें और साथ में जो है नेगेटिव जो घर में चीज़ आती हैं वो भी दूर होंगी, मच्छर वगैरह जो आते हैं वो भी दूर जाएंगे, और साथ में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के इसके 4 पत्ते डेली यूज करेंगे तो आपको फीवर, दर्द, कुछ इस तरह की छोटी-छोटी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा ये सफर चलता रहा और आज भी जारी है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।